उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में बुधवार को बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम के दौरान भगदड़ की स्थितियां देखने को मिली। प्रदेश के तमाम भक्त यहां पर पहुंचे तो यहां पर अफरा तफरी की स्थितियां देखने को मिली। हालत ये हुई कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को खुद ये अपील करनी पड़ी कि तमाम भक्त जो रास्तों पर हैं वो अपने घर वापस लौट जाएं और घर पर बैठकर ही कथा को सुने। वहीं कार्यक्रम के दौरान तमाम भक्त यहां बेहोश होकर गिर गए, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। एसडीएम ज्योति मौर्या से अफेयर के बाद चर्चा में आए होमगार्ड्स कमांडेंट मनीष दुबे को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के डीजी होमगार्ड्स विजय कुमार मौर्या ने इस एक्शन की पुष्टि की है। मनीष दुबे फिलहाल महोबा जिले में तैनात थे और उनके लिए तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर लिखी जा रही थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच 18 जुलाई को एक बैठक होगी। इस बैठक में यह तय होगा कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी गठबंधन के साथ किन शर्तों पर शामिल होंगे। ओम प्रकाश राजभर इसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। राजभर, जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच किन शर्तों पर समझौता होता है, यह 18 जुलाई को तय हो जाएगा। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के चलते उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में गंगा नदी उफान पर है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी जिलों में तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। इसके अलावा प्रशासन ने सभी जिलों में अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में त्रासदी की स्थितियां हैं। इन स्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है, जिससे कि वर्षा जनित कोई भी घटना ना हो सके। भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रिजभूषण सरन सिंह के खिलाफ एक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ब्रिजभूषण के खिलाफ बनाई गई चार्जशीट में कुल 21 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। इन गवाहों के बयान के आधार पर ब्रिजभूषण के खिलाफ एक्शन की सिफारिश की गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से ब्रिजभूषण के खिलाफ जो चार्जशीट दी गई है, उस पर राउज एवेन्यू कोर्ट 18 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिसमें ब्रिजभूषण सरन सिंह और उनके निजी सचिव रहे जितेन तोमर पेश होंगे।